हेलो फ्रेंड्स, विश यू गुड टाइम। क्या आप ट्रेन में सफ़र करते हैं? बिल्कुल करते होंगे, क्योंकि इंडिया में जो जितने लोग हैं लगभग सभी ने रेलवे में सफ़र किया है। और रेलवे हमारे देश का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इंडियन रेलवे हमारी सहायता करता है, हमें दूर दूर तक दूरियों को नज़दीक कर देता है। तो इसके लिए हम इंडियन रेलवे को थैंक यू कहना चाहेंगे। तो इसी तरीके से हर बार जो है रेलवे अपनी सिस्टम में सुधार करता रहता है ताकि लोगों को सहूलत हो, कोई परेशान ना हो, सीनियर सिटीजन्स, लेडीज़, हैंडीकैप वगैरह वगैरह। तो इसी तरीके से रेलवे ने यह भी सिस्टम निकाला है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती है, आप जैसे ट्रेन में चढ़ चुके हैं लेकिन आपको टिकट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, आपको ये मालूम नहीं होता है कि कौन सी सीट खाली है, कौन सी सीट खाली नहीं है, कौन सी सीट कहाँ तक रिज़र्व है, कौन सी सीट कहाँ तक रिज़र्व नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि हाँ इस सीट पर आदमी आ जाएगा, कब आएगा, अभी आएगा, तभी आएगा, सोचते रह जाते हैं, लेकिन वो सीट हमारे आखिरी स्टॉप तक खाली रह जाती है। तो इसी चीज़ को मालूम करने के लिए इंडियन रेलवे ने ऐसा ऑप्शन निकाला है कि आप उस ऑप्शन में जाएं, चार्ट बन जाने के बाद, ट्रेन खुल जाने के बाद, ट्रेन चाहे कहीं भी पहुंच चुकी हो उससे हमारे को मतलब नहीं है, लेकिन वो ट्रेन आप लास्ट डिस्टिनेशन पर नहीं पहुंचनी चाहिए। आप जैसे उसमें अपना बोर्डिंग स्टेशन जैसे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसमें चेक कर सकते हैं कि हाँ एक नंबर सीट पर आप टच करेंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये ट्रेन, ये सीट इस स्टेशन से लेकर इस स्टेशन तक बुक है, फिर इस स्टेशन से लेकर इस स्टेशन तक खाली है, फिर इस स्टेशन से लेकर इस स्टेशन तक बुक है। मतलब इस तरीके से आपको बताया जाएगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक बुक है, यहाँ से यहाँ तक खाली है, यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं आएगा, यहाँ से यहाँ तक आप ले सकते हैं। और जो सीट खाली रहेगी वो आपको पूरा बता दिया जाएगा, वो सीट ग्रीन रहेगी, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये सीट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है खाली है। और जो सीट खाली नहीं रहेगा, जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बुक रहेगा, वो ब्लैक कलर में रहेगा, मतलब कि ग्रे कलर में। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमारा सफ़र आसान हो, हमें जैसे सीट मिल जाए और हम अपने सफ़र को आसानी से पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि हम अपने जब हम ट्रेन में पहुंच जाए तो हमें सीट किस तरीके से मिल सकती है। जब हमारा टिकट कंफर्म ना हो, वेटिंग चल रहा हो, भीड़ चल रही हो, तो हमें थोड़ी देर भी बैठने की जगह हो मिल सके। तो चलिए हम देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे गूगल में। गूगल में जाने के बाद हम सर्च करेंगे IRCTC। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ गया है, जिसमें एक और ऑप्शन है रिज़र्वेशन चार्ट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। रिज़र्वेशन चार्ट पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ट्रेन नंबर डालना है। तो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 12295। ये संगमित्रा एक्सप्रेस है, ये बेंगलुरु सिटी से दानापुर जाती है पटना, पटना के दानापुर। तो अब हम यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन डालते हैं। तो ये ट्रेन सुबह ही जा चुकी है, तो अभी ये विजयवाड़ा लगभग पहुँचने वाली है, विजयवाड़ा से निकली नहीं है। तो हम आगे का स्टेशन लेना है। अगर हम आगे का स्टेशन लेते तभी हमें दिखाएगा, अगर हम पीछे का लेंगे तो नहीं दिखाएगा। तो हम विजयवाड़ा से चढ़ने के लिए अब गेट ट्रेन चार्ट पर हम टच करेंगे। यहाँ हमें इस तरीके से दिखाई देगा, जर्नी डेट, बोर्डिंग स्टेशन विजयवाड़ा, चार्टिंग स्टेशन विजयवाड़ा, मतलब विजयवाड़ा में भी इसका चार्ट बनता है। और यहाँ देख सकते हैं A1 में दो सीट खाली है, यहाँ दिखा रहा है A1 2। तो अब हम इस पर टच कर लेते हैं और इसका नीचे सीट मैप दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रीन है और ग्रे है, येलो है, ये तीन तरीके का आपको दिख रहा होगा, सीट मैप भी उसी तरीके का है। तो ये जो ग्रे है इस पर हम टच करेंगे 5 नंबर सीट को, तो ये बता रहा है KSR बेंगलुरु से दानापुर के लिए ये बुक हो चुका है, मतलब ये लास्ट स्टॉपेज तक बुक है। और हम येलो कलर 1 नंबर सीट दिख रहा है तो हम इसको देखते हैं। तो ये केरपुरम से कुप्पम तक बुकिंग था, फिर कुप्पम से काटपड़ी तक खाली था, फिर काटपड़ी से कटनी तक ये बुक है, और फिर कटनी से सतना तक खाली जाएगा, फिर सतना से इलाहाबाद दीनदयाल उपाध्याय तक ये बुक है, फिर दीनदयाल उपाध्याय से दानापुर तक ये खाली रहेगा। मतलब ये येलो कलर जो सीट होता है इस पे काफ़ी लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो आपको टाइम के हिसाब से चेक कर कर आप अपना आराम कर सकते हैं। अब खाली सीट की बात करें तो यहाँ आप देखिए इसमें ग्रीन कलर अभी तक नहीं आया है,
तो आगे बढ़ते रहते हैं और ये देखिए ये 48 नंबर सीट मतलब एसयू साइड ऊपर। अब इस पर टच करेंगे तो ये हमें दिखा रहा है 48 नंबर सीट KSR बेंगलुरु से लेकर दानापुर तक खाली है, मतलब ये सीट किसी ने कहीं से भी बुक नहीं किया है, ना विजयवाड़ा से ना कहीं और से। तो हम चाहे तो ये सीट को ले सकते हैं TT को बोलकर कि हमें ये सीट दे दीजिए ये खाली है, वो TT हमें बता देगा। अब हम स्लीपर में ले लेते हैं तो S1 में हम देखते हैं। अब S1 का हम देखते हैं तो देखिए हमें S1 में कहीं भी ग्रीन कलर नहीं नज़र आ रहा है, तो येलो पे हम टच करते हैं 2 नंबर सीट पे। तो इसका देखिए डिटेल है, बेंगलुरु से बंगारपेट तक ये बुक था, फिर बंगारपेट से जुलारपेट तक खाली था, फिर जुलारपेट से चेन्नई तक ये बुक था, चेन्नई से दानापुर तक ये बुक है। तो मतलब कि ये 2 नंबर का सीट बुक है और इस कोच में हमें एक भी सीट खाली नहीं मिल रही है। तो इसी तरीके से आप सीट पर टच कर कर देख सकते हैं कि कहाँ से ये ट्रेन जो से बुक है और कहाँ तक खाली है। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है कि ये फुल खाली है, और जब ग्रे कलर है तो वो समझिए कि फुल है, और येलो कलर है तो समझिए खाली रहेगी थोड़ी दूर, फिर आदमी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जिस कोच में चाहे चेक कर कर आप सहूलत के हिसाब से, अगर खाली मिलता है तो आप उस सीट पर जाकर आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा इंडियन रेलवे ने हमारे लिए ऑप्शन निकाला है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आपको जो से सफ़र करने में काफ़ी आसानी होगी। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ, ताकि दूसरे भी इस जानकारी को हासिल कर सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ताकि हम जब अगली बार वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।